brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. और हम ये कहें कि वहां देखिए द्वारका हाईवे बन गया, वहां देखिए वो नेशनल हाईवे बन गया, वहां पर 6 लाइन का बन गया, वहां पर 8 लाइन का बन गया, बहुत अच्छी बात है। वो बनना जो है वो केंद्र की योजनाओं से बन रहा है, वो टैक्स पेयर्स की योजनाओं पैसे से बन रहा है, लेकिन आपके क्षेत्र से जिस तरह से पैसा 65% रेवेन्यू 70% रेवेन्यू प्रदेश की सरकार को जाता है, उसका कितना हिस्सा यहाँ के आम आदमी को मिलता है, यहाँ के रिहायश करने वाले को मिलता है, यहाँ के बाशिंदे को मिलता है, ये जरूरी है। ना आपके पास में मेट्रो की सुविधा है, यहाँ पे जहाँ खत्म थी वहीं हो गई, ना आपके पास में रैपिड जो जिसकी सुविधा रेल थी, यानी आप कह रहे थे कि 10 साल पहले कि हम जो है मानेसर तक जाएंगे, यहाँ पर रेल तक के अभी तक स्टेशन नहीं है मानेसर के लोगों के पास में, वहाँ वो अपना मेवात के लोगों के पास में, इधर आपने द्वारका तक कहा था कि हम ले जाएंगे वहां, यही जितनी पिछली सरकार में, यानी मैं कहूंगा कि हुड्डा साहब की सरकार में जो चीजें विकास की आई उसके बाद में एकदम ऐसा लगता है सब कुछ रुक गया। बड़ी अच्छी बात है, उनका मानना यह है कि भाई वो बड़े काम के लिए पैदा हुए हैं, बड़े काम करते हैं, तो मुझे चाहिए कि उनकी पार्टी को उनको राज्यसभा में ले जाए, उनकी पार्टी उनको राज्यसभा में ले जाके उनसे बड़े काम करवा ले, क्योंकि यहाँ तो किसी छोटे काम करने वाले की मुझ जैसे छोटे आदमी की जरूरत है।